हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग पूजा की ज़िंदगी। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जैसे कि बैक टू बैक मेरे देवर की शादी का वीडियो आया है, तो अभी ये नया ब्लॉग है और ये लास्ट ब्लॉग है। तो इसमें है कि जिस दिन शादी हुई थी उस दिन ही रात को हमारा ऐसा नियम होता है, जैसे चूड़ा, मतलब जो चूड़ी होता है वो पहनाते हैं। तो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है गाइस, ज़रूर बताएं। मेरी फेवरेट साड़ी है ये। तो ये हमारी जो नाइन काकी है वो हमें हाथ में ऐसे चूड़ा ऐसे पहनाते हैं, ऐसे रस्म होती है। और मैं थोड़ा मतलब सोई थी तो उठ के आई थी, और बाद में इस तरह से पैर छूते हैं। फिर पीछे मतलब जो हमारा भवन था जहाँ शादी हुई थी पीछे, वहाँ पे थोड़ा ये मॉर्निंग का टाइम है, तो ये थोड़ा नियम वगैरह हो रहा था क्योंकि शादी हो चुकी थी और विदाई का टाइम था ये। तो यहाँ पे कुछ जैसे रस्म हो रही थी, दे रहे थे जो दुल्हन आ जाए और दुल्हन दोनों को बिठा के, तो वो जो दुल्हन के साइड के हैं वो लोग दूल्हे राजा को ऐसे दे रहे थे। फिर बाद में दुल्हन आई थी, देखिए हमारी दुल्हन कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। और उसके बाद में यहाँ पे सब बैठे थे, जितने भी और रिश्तेदार वगैरह थे वो भी जा चुके थे क्योंकि विदाई का टाइम था। तो और दुल्हन बगल में बैठ जाएगी अभी, उसके बाद में फिर जो भी और भी थोड़ा बहुत रस्म है, ये सब राजस्थानी नियम है गाइस। तो आप लोगों के में भी ऐसा होता है क्या, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पे मतलब जो पंडित जी है वो कुछ नियम करवा रहे हैं जो कि मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, और ये कुछ मतलब दे रहे हैं और हाथ में हाथ ये करके उसके बाद में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, नियम कर रहे हैं। और ये है मतलब मिठाई वगैरह जो पंडित जी को दे रहे हैं। तो उसके बाद में फिर हम लोग जल्दी मतलब आ गए थे क्योंकि सुबह 5 बजे के टाइम था। इस टाइम पे देखो उजाला भी हो गया था। और हमारे पापा हैं, हमारे पापा भी दुल्हन को कुछ नेक वगैरह ऐसे दे रहे थे, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। हमारे राजस्थानी नियम में इस तरह से वो जो मतलब सर पे है ऐसा बांधा जाता है। क्या आप लोगों में भी ऐसा होता है बताएं? सब में ही होता है एक्चुअली, मैंने देखा है, लेकिन सबके थोड़ा अलग अलग होते हैं। और हमारे राजस्थानी नियम में इस तरीके का होता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे जो है जो लड़की है मतलब दुल्हन, उसकी बुआ टीका वगैरह निकाल रही थी। और ये है उस दिन सुबह मॉर्निंग का जो नेचर है, देखो कितना मस्त लग रहा था, बहुत ही प्यारा था। और मोर भी बोल रहे थे क्योंकि राजस्थान में बहुत ही मोर मतलब मिलते हैं, अभी दूसरे जगह पे नहीं उतना मिलता है, लेकिन राजस्थान वगैरह में बहुत ही ज़्यादा मोर का आपको मिलेंगे। आप कभी भी राजस्थान आओ तो ज़रूर देखना। तो उसके बाद में हम आ चुके थे घर पे, और यहाँ पे पहले भी ये जो नियम हुआ था वहीं पे हमारा जो भगवान है वहाँ पे और वापस से नियम वगैरह हो रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर औरतें गीत वगैरह गा रही थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।